यानी यहाँ मौजूद है 9 लाख टन मीट और ये सब नदी के किनारे की तरफ जा रहे हैं। शेरों को एक युवा बफलो दिख जाता है। ये झुंड जानता है कि शेर आसपास ही है, लेकिन इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये प्यास से बेहाल है। ये बफलो खुद पर काबू नहीं रख पा रहे। ये अपनी प्यास बुझाने को बेताब है। शेरों का ये झुंड नदी के इस हिस्से में दशकों से रहता आया है और बफलो जब भी पानी पीने आते हैं ये इन पर हमला करते हैं, लेकिन बीते बरसों के दौरान बफलो भी थोड़े सयाने हो गए हैं। आजकल शेर जब भी हमला करते हैं इन्हें कुछ ऐसे बफलोज को झेलना पड़ता है जो तगड़ी टक्कर देते हैं। बफलो को अपनी ताकत का अंदाजा है। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और इन सभी को कुदरत ने सींग दिए हैं। पर जहां तक शेरों की बात है, वो शिकार करने की अपनी महारतों और अपने संगठन पर निर्भर करते हैं। तो इस बछड़े की गुहार की तरफ ध्यान न देता, लेकिन बफलो के साथ ऐसा नहीं है। इन युवा नरों को डराया नहीं जा सकता। ये एक रक्षा पंक्ति बना लेते हैं जिसे बेधने की हिम्मत शेर नहीं जुटा पाते। बफलो का कोई मुखिया नहीं होता, ये सब एक साथ मिलकर हमला करते हैं। बच्चों, बूढ़ों और माओं को झुंड के बीच में सुरक्षित रखा जाता है और इनकी हिफाजत युवा नर करते हैं। खेल खत्म हो गया। बफलो अड़े रहे, लेकिन अब वो दोबारा यहाँ पानी पीने के लिए काफी समय बाद आएंगे, तो प्राइड को कोई दूसरा शिकार ही ढूंढना पड़ेगा।